सो हेलो स्कॉलर्स, हम आरबी पब्लिक स्कूल क्लास 4 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम था आपका जीके प्लेनेट, और इसका टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। टर्म 2 में बच्चों हमने चैप्टर नंबर 39 तक हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 टू चैप्टर 39 हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 40। बाकी सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सारे चैप्टर्स एक साथ आप कंप्लीट आउट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 40 जो है वो है हमारा पेज नंबर 54 पर। चैप्टर 40 का जो नेम है वो पार्लियामेंट ऑफ कंट्रीज है। बच्चों पार्लियामेंट वो प्लेस होती है जहां पर हर कंट्रीज के लॉज या फिर कानून बनते हैं। जो हमारी कंट्री जो है वहां उसमें भी पार्लियामेंट है, जिसको हम संसद भवन के नाम से जानते हैं। और जो संसद भवन है हमारा, है ना, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम एमपीज बोलते हैं, है ना, एमपीज। और ये लोग इस बिल्डिंग में बैठ करके बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं और लॉज बनाते हैं, कानून वगैरह बनाते हैं। क्लियर। द पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर नोन एज डिफरेंट नेम। जैसे कि हमारे इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसको संसद भवन के नेम से हम जानते हैं, इसी तरीके से हर कंट्री का पार्लियामेंट होता है। तो वहां पे वो उस पार्लियामेंट को अपने अपने नेम से जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम से हर कंट्री का पार्लियामेंट जाना जाता है। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसराइल है हमारे लिए, यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसराइल का जो संसद वो है या फिर पार्लियामेंट है, इसको हम किससे जानते हैं, हमें वो बताना है। तो वो है नीसेट, ये जो है नी के एन ई एस, मैं लिख देता हूँ के एन ई एस एस ई टी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसराइल का पार्लियामेंट का नाम। भूटान, भूटान, अब भूटान का जो पार्लियामेंट है इसको हम जानते हैं। देखो इससे मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ, गाय लौंग तिशोंग कोंग। थोड़ा सा पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खतरनाक है इसका, जी वाई ई एल वाई ओ एन जी टी एस एच ओ के एच ए एन जी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा भूटान का। इसके बाद आता है बच्चों डेनमार्क, है ना। तो डेनमार्क को हम जानते हैं कैसे, फॉल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपके लिए, फॉल किटिंग। ओके, तो मैं लिख देता हूँ एफ ओ एल के ई टी आई एन जी। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फोर्थ में है हमारा कौन, फ्रांस, है ना। फ्रांस, फ्रांस का जो नेम है वो है नेशनल असेंबली, वहां के पार्लियामेंट का क्या है, नेशनल असेंबली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन ए टी आई ओ एन ए एल, नेशनल, ए डबल एस ई एम बी एल वाई, नेशनल असेंबली। इसके बाद आते हैं बच्चों जापान। तो जापान जो है इसकी जो वो है पार्लियामेंट, इसको हम जानते हैं किससे, वो मैं बताता हूँ, नेशनल डाइट से। क्या, नेशनल डाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन ए टी आई ओ एन ए एल डी आई ई टी। ओके, तो ये हो गया हमारा जापान का। यूएसए पे आ जाते हैं। जो यूएसए है इसको, इसके पार्लियामेंट को हम कांग्रेस से जानते हैं, कांग्रेस। ओके, तो पार्लियामेंट ऑफ यूएसए इज ऑल्सो नोन एज कांग्रेस, सी ओ एन जी आर ई डबल एस। इसके बाद आते हैं जर्मनी पे। तो जर्मनी का जो पार्लियामेंट है, जो कि हमारा 7th नंबर पे है यहाँ पे, तो इसको हम जानते हैं बंडेस्टैग, बंडेस्टैग, है ना। तो मैं यह लिख देता हूँ बी यू एन डी ई एस टी ए जी। इसके बाद आते हैं हम बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट है उसको हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं, जे ए टी आई वाई ए एस ए एन एस ए डी, जातीय संसद। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा ये चैप्टर नंबर 40 कंप्लीट। इसके पार्लियामेंट के अलग अलग नेम हमने जाने, अलग अलग कंट्रीज में क्या उससे प्रोनाउंस होता है। तो इस तरह से चैप्टर 40 हुआ कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 41 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। पसंद आई हो वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।